हेलो अरुण सब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सॉइल एक्सप्लोरेशन ज़्यादा थ्योरिटिकल टॉपिक है ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है इसको जितना जियोटेक में है जियोटेक में ये लीस्ट इम्पॉर्ट लीस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलना चाहिए इसके बाद वाला लीस्ट इंपॉर्टेंट है इसका सेकंड लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सॉइल एक्सप्लोरेशन ठीक है लेकिन ऑल दो इससे क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है ज़्यादा इतना टफ नहीं है तो आप जस्ट गो थ्रू करेंगे तो ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें ठीक है, है? So, सबसे पहली चीज़ soil exploration होता क्या है? हमें सॉइल की प्रॉपर्टीज जाननी है सॉइल की प्रॉपर्टीज किससे पता चलेगा टेस्ट से पता चलेगा किसमें टेस्ट करना पड़ेगा हमें सॉइल में टेस्ट करना पड़ेगा लेकिन सॉइल को कलेक्ट करके लाना पड़ेगा ना अगर लैब में करना है तो, तो क्या करते हैं हम ग्राउंड सर्फेस से कुछ टेस्ट पिट बनाते हैं तो उसको ऐसा होल बना के वहाँ पर सॉइल कलेक्ट करते हैं ठीक है तो इसी टेस्ट पिट को बोलते हैं हम सॉइल एक्सप्लोरेशन यूज फॉर सॉइल इन्वेस्टिगेशन इसको यूज किया जाता है सॉइल इन्वेस्टिगेशन के लिए अब बोले ठीक है यूज करेंगे अब ये डेप्थ लेंगे लेकिन कितने कुछ यहाँ पर होल करेंगे लेकिन कितने डेप्थ तक करेंगे तो डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन डिपेंड्स ऑन सिग्निफिकेंट डेप्थ सिग्निफिकेंट डेप्थ ठीक है सिग्निफिकेंट डेप्थ पर डिपेंड करता है लेकिन ये होता क्या है तो सिग्निफिकेंट डेप्थ होता है ड्यू टू अप्लाई लोड अप्लाइड लोड लिखा है ओरिजिनल ओरिजिनल प्रेशर नहीं लिखा है मतलब आपके सॉइल के कारण प्रेशर नहीं है अगर इसके ऊपर कोई अलग से लोड लगाएं या फुटिंग के थ्रू लोड आया तो क्या वो वो अप्लाइड लोड हुआ तो स्ट्रेस ड्यू टू अप्लाइड लोड कैन प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट सेटलमेंट एंड शेयर स्ट्रेस सो आपका ऐसा डेप्थ आपका ऐसा डेप जहां तक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लोड या सॉरी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सी स्ट्रेस के कारण सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सेटलमेंट हो या शेयर स्ट्रेस हो उस डेप्थ तक उस डेप्थ को ग्राउंड सरफेस से वहां का हाइट ले मेजरमेंट करें तो वो होता है आपका सिग्निफिकेंट डेप्थ अब इसको मेजर कैसे करेंगे इसके दो तरीके सपोज आप फुटिंग बनाए ठीक है इसको ज्यादा जल्दी से गो थ्रू करेंगे जितना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सपोज फुटिंग बनाएं ये आपका फर्क नहीं पड़ रहा है कि इसमें ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर है कि नहीं है तो उसके कारण कुछ स्ट्रेस होगा अगर आपका चेंज इन स्ट्रेस इज इक्वल टू टेन परसेंट ऑफ स्ट्रेस है टेन परसेंट ऑफ स्ट्रेस अप्लाइड है ऐसा डेप्थ जहां पर चेंज इन स्ट्रेस है टेन परसेंट ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस वो डेप्थ का अगर ग्राउंड सरफेस से हाइट मेजर करें वो लेवल का अगर ग्राउंड लेवल से अगर हाइट मेजर करते तो वो आपका सिग्निफिकेंट डेप्थ डी हो गया ठीक है ये किस में हुआ यह आपका टोटल में हुआ ठीक है फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपको अफेक्टिव है कि सॉरी ग्राउंड वाटर टेबल है कि नहीं है ठीक है अब दूसरा कैसे लेते हैं यहाँ पर क्या ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर है सेम स्ट्रेस कितना लगा रहा है फुटिंग क्यू के पी लगा रहा है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब या फिर उसके कारण जो आपका स्ट्रेस डायग्राम बनेगा चेंज इन अफेक्टिव स्ट्रेस चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा फाइव परसेंट ऑफ क्यू फाइव परसेंट ऑफ क्यू सो ये जो डेप्थ हो जाएगा ग्राउंड सर्फेस से ही आपका डी टू हो जाएगा आपका सिग्मा में या टोटल स्ट्रेस में आपका टेन परसेंट ऑफ क्यू और आपका अफेक्टिव में आपका फाइव परसेंट ऑफ क्यू अफेक्टिव में क्या होता है आपका ये सबमर्ज का केस है समझ लेते हैं तो आपका ये डिक्रीज हो जाता है चेंज इन स्ट्रेस क्या होगा वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा तो दोनों का डेप्थ डेप्थ कहाँ से लेंगे ग्राउंड सर्फेस से लेंगे ध्यान रखना ग्राउंड सर्फेस से क्योंकि होल कहाँ से करना है आपको ग्राउंड सर्फेस से लेना है ना तो यहाँ पर आपका डी हो गया अफेक्टिव क्या इसमें डी हो गया तो सिग्निफिकेंट डेप्थ हो जाएगा मैगजिम ऑफ डी एंड डी ठीक है ये ध्यान रखना मैगजिमम ऑफ डी एंड डी ठीक है अब सिग्निफिकेंट डेप नॉर्मली 1.5 से लेकर 2 बी तक रहता है अब ये बी क्या है ये आपका विथ ऑफ फुटिंग है विथ ऑफ फुटिंग है ना अब ये मत बोलना टर्जागी में हम क्या फॉर्मूला लिखे थे सी प्लस गामा डब्लू गामा सी एन सी प्लस गामा डी एन क्यू प्लस पॉइंट फाइव गामा बी एन गामा ये आपका फॉर्मला था ठीक है याद रहना चाहिए भूलना नहीं है इम्पॉर्टेंट फॉर्मुला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मला है ये आपका स्ट्रिप का कैसा सर्कुलर में अलग होता है स्क्वायर में अलग होता है रेक्टेंगुलर में अलग होता है रिवाइज कर लेना याद नहीं हुआ तो उसमें लास्ट टाइम रहता है पॉइंट फाइव गामा बी एन गामा तो ये बी आपका विथ ऑफ फुटिंग है लेकिन इससे कंफ्यूज मत होना ये आपका कहाँ पर लेते हैं गामा यह सॉइल के नीचे जो बी रहता है ना ये विथ ऑफ फुटिंग है ये बी उस डेप्थ तक आपका हाइट जो कि इक्वल टू ऑफ फुटिंग है है उस तक स्ट्रेस लेते हैं ये गामा ना लेकिन यहां पर क्या ले रहे वन पॉइंट फाइव टू टू भी तो ये अलग है ये अलग है ध्यान रखना ये कहा बिलो द फुटिंग ये हाइट आपका बिलो द फुटिंग है तो ये जो हाइट है आपका फुटिंग से लेके वन पॉइंट फाइव वी फॉर एज पर आई एस कोड इट इज वन पॉइंट फाइव वी ठीक है बिलो द फुटिंग सो फुटिंग के बिलो आपका वन पॉइंट फाइव हो गया तो ग्राउंड सर्फेस कितना हो जाएगा वो तो डिपेंड करता है ना फुटिंग कितना नीचे है तो वन पॉइंट फाइव भी प्लस डेप्थ ऑफ फुटिंग बिलो ग्राउंड सर्फेस हो सकता है ग्राउंड सर्फेस पे ही हो तो ये कितना हो, हो जाएगा हो जाएगा हो सकता है आपका 100 मीटर नीचे हो तो 100 प्लस 1.5 तो डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ ऑफ द फुटिंग आपका सिग्निफिकेंट डेप्थ हम उसका वैल्यू रहता है ये आप, आपका अप्रोक्सीमेट है आई कोट के हिसाब से वन भी रहता है ठीक है ठीक है ये आपका सिग्निफिकेंट डेप्थ हो गया कि आप होल uh, किए आपको सिग्निफिकेंट डेप्थ मिल गया कितने डेप्थ तक करना है अब बोला जाए कि कितने नंबर ऑफ होल्स चाहिए जरूरी नहीं है ना वन करें तो हो सकता है कि नंबर ऑफ़ होल्स करें तो ये डिपेंड करता है आपका एरिया पे अगर आपका स्मॉल एरिया है ठीक है इसको अगर आपका स्मॉल एरिया है स्मॉल एरिया उसके लिए आपको वन होल चाहिए center, लेकिन अगर आपका एरिया अप टू Hectare, hectare, hectare मतलब square, तो है। मतलब एरिया तो मतलब इज़ मीटर स्क्वायर, ठीक है? अप विदाउट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स नहीं है अभी हम पूछो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स क्या है इतना है तो वहां पर हमें चाहिए फाइव होल्स फाइव होल्स जो की वन एट सेंटर एंड फोर एट कॉर्नर फोर एट चारों कॉर्नर में आ जाएगा ठीक है तो ये दो है ऑल दो ये कभी पूछा नहीं गया बस रीड कर लो दिमाग में रहा तो अच्छी बात है ठीक है ये अपना सिग्निफिकेंट डेप्थ हो गया उसका डेप्थ कितना होना चाहिए ये आपका नंबर ऑफ होल्स हो गया तो ये चीज़ें हो गई अब बोले कि होल हो ये तो पता चलेगा कितने डेप्थ तक खोदना है हमें या कितने कितने नंबर ऑफ होल्स डिक करना है लेकिन इसको डिक कैसे करेंगे सो ये आता है अंडर मेथड्स ऑफ एक्सप्लोरेशन मेथड्स ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑल तो ये भी आपका पूछा गया है लेकिन वही ये आप कितनी चीजें याद करोगे थ्योरी थ्योरटिकल चीज़ें रटनी हमें रटोगे कितने दिन तक रटोगे एक दो दिन तक रटोगे तीन दिन तक रटोगे सातवें दिन भूल ही जाना है ठीक है तो रटने वाली चीज़ है थोड़ा इसमें मैं कम फोकस करूंगा ये आपके ऊपर है कितना कर सकते हो कुछ मैं ट्रिक्स हो सके तो बता दूंगा बाकी आपके ऊपर है ऑल दो ये पूछा गया आपके नंबर ऑफ मेथड्स क्या है आपके टोटल ओपन ट्रायल पिट्स है ऑगर बोरिंग है वॉश बोरिंग है रोटरी रिलिंग है परकोरेशन रिलिंग है कोल्ड है सबसे पहले ओपन ओपन ट्रायल पिट्स बोलते हैं ओपन है ओपन है ओपन मतलब क्या होगा फिर शैलो डेप तक होगा अगर ओपन हुआ ज्यादा डेप तक होगा तो कुछ भी चीजें गिर सकती है ना ठीक है तो ओपन होगा तो कम डेप तक होगा डेट इज अप टू अप्री मीटर कम डेप तक होगा यहां पर कितने टर्म्स है ओपन ट्रायल पिट थ्री टर्म तो यहाँ पर थ्री मीटर हो गया ठीक है ओपन ट्रायल पिट हो गया ओपन ट्रायल पिट नेक्स्ट चलते हैं वॉश बेयरिंग में वॉश वॉश करना है वॉश किससे करते हैं पानी में करते हैं तो इसमें क्या होगा कैन बी यूज बिलो ग्राउंड वाटर टेबल जो ग्राउंड वाटर टेबल के बिलो यूज़ होता है उसको हम वॉश बेयरिंग बोलते हैं वॉश है ना डीप होल इज नॉट सुटेबल फॉर हार्ड सेटम ये आप देख लो रट सको तो मैं जो मैं ट्रिक्स बता सकता हूँ वो मैं बता रहा हूँ ठीक है ये दोनों हो गए ओपन ट्रायल ओपन है तो शेलो हो गया थ्री टर्म्स है थ्री मीटर तक है वॉश बेयरिंग वॉश के लिए यूज़ आता है ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे और आपका ये डीप होल रहता है नॉट सुटेबल फॉर हार्ड सीटम अब आपका ये क्या है ड्रिलिंग ड्रिलिंग अब जो भी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट अगर ऑब्वियसली अब घर में कुछ चीजें बन रही हैं कुछ चीजें रिपेयर हो रही है तो वहां पर किसका ड्रिलिंग मशीन का तो यूज होता होगा ड्रिलिंग मशीन वो किसके लिए यूज होता है सपोज आपको वॉल में कुछ होल करना है तो वॉल क्या हार्ड रहता है ना उसको होल करना है तो ड्रिलिंग मशीन होता है तो वैसे ड्रिलिंग किसके लिए यूज होगा आपका हार, हार्ड नॉर्मली हार्ड रॉक के लिए यूज होता है ठीक है नॉर्मली हार्ड रॉक अब उसमें तीन टाइप का रोटरी परकोरेशन कोर ज्यादातर कौन सा देखें जो रोटेट होता रहता है एक्सिस के अबाउट ये आपका कुछ ऐसा रहता है ये आपका बंदूक टाइप का कुछ रहता होगा तो ये क्या होता है ये आपका रोटेट होता है तो ये आपका रोटरी ड्रिलिंग हो गया है ना ये आपका ऐसा कुछ रहता है रोटरी ड्रिलिंग वो रोटेट होते जाता है तो इन नॉर्मल है हम नॉर्मली ये देखें ना तो एक किसके लिए एनी टाइप ऑफ सॉइल इंक्लूडिंग रॉक एनी टाइप ऑफ सॉइल इंक्लूडिंग रॉक रॉक क्यों ड्रिलिंग मशीन हार्ड चीजों के लिए, लिए रहता है ना तो रॉक हो गया तो ये रोटरी ड्रिलिंग नेक्स्ट है आपका कोर कोर ड्रिलिंग कोर से क्या सोच सकते हो आयरन कोर आयरन कोर ये क्या है आपका मिनरल या मिनरल कलेक्ट करने के लिए या फिर टू ऑपटेन रॉक सैंपल्स सो कोर से क्या हो जाएगा रॉक सैंपल्स कोर आयरन कोर ऐसे याद कर सकते हो आयरन कोर क्या हुआ आपके मिनरल्स हो गए या रॉक सैंपल्स हो गए तो टू ऑपटेन रॉक सैंपल्स फिर अब परक्यूरेशन ड्रिलिंग तो ये हो गया आपका रॉक के लिए फॉर एनी टाइप ऑफ सॉइल इंक्लूडिंग रॉक इंक्लूडिंग रॉक ये हो गया रॉक सैंपल्स के लिए और ये हो गया प्योरली हार्ड एंड रॉक हार्ड एंड रॉक तो ये हो गया का रॉक तो है लेकिन उसके साथ हार्ड स्टेटम भी हो गया ठीक है बचा क्या हो कौन सा ऑगर बोरिंग तो ये सुटेबल फॉर क्ले शैलो डेप लेस देन सिक्स मीटर थ्री ये थ्री मीटर के क्लेस है ये लेस देन सिक्स मीटर है फॉर हाईवे रेलवे एयरफील्ड एक्सेट्रा ठीक है तो ये कुछ ट्रिक्स है ट्रिक्स भी नहीं बोलना चाहिए आपको याद अगर याद कर लो तो ज़्यादा बेटर है मैंने अपने एग्जाम में नहीं किया था लेकिन याद करना ज़्यादा बेटर है क्योंकि इससे एग्जाम में पूछा गया ठीक है अब बोल लिए कि आपको कितने डेप्थ तक कि डिक करना है यह पता चल गया डेप्थ पता चल गया नंबर ऑफ होल्स कितने करना है ये पता चल गया किस इंस्ट्रूमेंट से करना है किस इंस्ट्रूमेंट कहाँ कहाँ यूज हो सकता है वो पता चल गया अब क्या उसको कलेक्ट भी करेंगे ना सैंपल्स को कलेक्ट करेंगे तो उसके लिए क्या होता है आपका सैंपलर नेक्स्ट है आपका सैंपलर सो इक्विपमेंट टू कलेक्ट सॉइल सैंपल्स सॉइल सैंपल्स कलेक्ट कलेक्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं सैंपलर अब ये भी दो टाइप्स के होते हैं टाइप्स ऑफ सैंपलर एक है आपका थिन वॉल्ट सैंपलर एक है थिक वॉल्ट सैंपलर है ना थिन वर्ल्ड और थिक वर्ल्ड थिन वर्ल्ड से टू कलेक्ट अनडिस्टर्ब सैंपल्स और थिक से टू कलेक्ट डिस्टर्ब सैंपल्स। अब थिक वर्ल्ड है कोई चीज़ें अगर मिट्टी में अगर कोई थिक चीज़ें उसको आप पेनिट्रेट करने की कोशिश करोगे तो क्या करेगा सॉइल को वो डिस्टर्ब कर देगा ना डिस्टर्ब कर देगा सपोज सॉइल में ये आपका सॉइल है यहाँ पर कोई थिक लेते हैं और एक्जरेट करते हैं यहाँ पर ब्रिक लिए एकदम थिक है ये उसको नीचे डालने के तो वो क्या करेगा सॉयल को डिस्प्लेस करेगा तब नीचे जाएगा है ना तो वो क्या करेगा डिस्टर्ब करेगा तो थिक वर्ल्ड क्या होता है डिस्टर्ब के रहता है अब थिन वर्ल्ड थिन में क्या ले सकते हैं सपोज आप नाइफ कंसिडर करो नाइफ तो अगर ग्राउंड सर्फेस में हम नाइफ को पेनिट्रेट करेंगे नाइफ को पेनिट्रेट करेंगे तो वो ज्यादा डिस्टर्ब करेगा क्या ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा तो किस लिए होता है अनडिस्टर्ब के लिए तो थिन वर्ल्ड फॉर अनडिस्टर्ब थिक वर्ल्ड फॉर डिस्टर्ब थिन वर्ल्ड ज्यादातर हम इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी निकालने के लिए यूज करते हैं ठीक है नेक्स्ट अब ये तो देखिए थिन वर्ल्ड थिक वर्ल्ड क्या होता है अब उसको हम कैसे बोलेंगे कि थिन वर्ल्ड है कि थिक वर्ल्ड है तो जो सैंपलर है ना उसका हम डायग्राम बनाते हैं सेकेंड तो ये कुछ आपका ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा सॉरी यहां पर थोड़ा गलत हो गया ये आपका ऐसा वर्टिकल हुआ यहां पर ये ऐसा हुआ ये लेफ्ट ये आपका राइट में आया ये ऐसा हुआ ठीक है ये हुआ फिर इसका डायमीटर है ऊपर का जो डायमीटर है बाहरी डायमीटर ये आपका डी ठीक है पहले नीचे से चल पहले डी वन से स्टार्ट करते हैं ये आपका अंदर का है ये इनसाइड है डी वन बाहर का क्या हो जाएगा ये आपका डेप ये डी टू हो गया ठीक है फिर अंदर अगेन ये अंदर का ये आपका डी थ्री हुआ अगेन ये बाहर का ये डी फोर हो गया ठीक है अब ये आपका d1 है इनसाइड क्लियरेंस है और d2 आपका ये आपका d2 है सॉरी ये आपका d2 है ये आपका इनसाइड क्लियरेंस है ये आपका आउटसाइड क्लियरेंस है ठीक है क्लियरेंस ओके okay. ये भी क्लियरेंस ठीक है अब इसको थिन वर्ल्ड और थिक वर्ल्ड क्लासिफाई करते हैं हम दो तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आपका है एरिया रेशियो एरिया रेशियो इसको हम ar से डिनोट करते हैं इसका फॉर्मूला रहता है आपका इन दोनों में से बड़ा क्या है क्लियरेंस में इन दोनों से बड़ा क्या है ऑब्वियसली डी टू ज्यादा बड़ा है तो डी टू स्क्वायेयर माइनस डी वन स्क्वायर बाय डी वन स्क्वायर ये आपका फॉर्मूला हो गया इन हंड्रेड अगर परसेंटेज में लिख रहे हैं तो इन हंड्रेड आउटर क्लियरेंस स्क्वायर माइनस इनर इनसाइड क्लियरेंस स्क्वायर माइनस इनसाइड क्लियरेंस स्क्वायर इंटू हंड्रेड तो आपका एरिया रेशियो हो गया ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इजी फॉर्मूला है अगर एरिया रेशियो अगर लेस देन टेन परसेंट है तो अगर लेस है लेस है तो क्या हो गया अनडिस्टर्ब अन और आपका एरिया रेशो ज्यादा है सॉरी इक्वल टू तो यहां गया अगर ये ग्रेटर देन टेन परसेंट है ठीक है तो ये क्या हो जाएगा डिस्टर्ब एरिया रेशो कम है मतलब ये क्या पतली चीज है पतली चीज मतलब नाइफ का एग्जाम्पल नाइफ आपका अनडिस्टर्ब बोलता है है ना अगर एरिया ज्यादा है तो आपका क्या आ जाएगा वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा उससे जो सैंपल कलेक्ट होता है वो आपका डिस्टर्ब सैंपल सैंपल कलेक्ट होता है और एरिया लेस देन थ्री उससे कौन सा सैंपल कलेक्ट होता है उससे अनडिस्टर्ब सैंपल कलेक्ट होता है ठीक है तो ये आपका एरिया रेशो के बेस्ड में हो गया दूसरा है आपका दूसरा हम इनसाइड क्लियरेंस के बेसिस में करते हैं ठीक है अब उसका फॉर्मूला है आपका एक सेकेंड इन साइड क्लियरेंस इनसाइड क्लियरेंस है ना इन साइड क्लियरेंस इज इक्वल टू डी थ्री माइनस डी वन बाय डी वन अब ये डी डी थ्री डी वन क्या है ये देखते हैं डी थ्री माइनस डी वन इन हंड्रेड इंटू 100 d3 क्या था इनसाइड बोला है तो अंदर का डायमीटर है ठीक है फिगर के साथ देखते हैं ज्यादा अच्छे समझ में आएगा ये अंदर का दोनों अंदर के डायमीटर है यहां पर हम देखेंगे d3 थ्री क्या ये अंदर का डायमीटर है d1 भी क्या ये भी अंदर का डायमीटर है लेकिन d1 और d3 में कौन सा ग्रेटर है d3 इज ग्रेटर है तो फार्मूला क्या हो जाएगा d3 d1 by d1 into 100 है ना ये हुआ d3 d1 into d1, into d1 into 100 ये आपका परसेंटेज में रहेगा सो फॉर अनडिस्टर्ब सैंपल इट शुड बी लाई बिटवीन 0.5 टू 3% ठीक है इसको याद Uh, याद अब भूल भी सकते हो ठीक है ट्रिक देखते हैं एरिया रेशो आपको समझ में आ गया डी टू स्क्र माइनस डी वन स्क्वायर बाई डी वन स्क्वर ये आपके जो नीचे जो भी डायमीटर है उससे जिससे सैंपल कलेक्ट होगा मिलनी सैंपल किससे कलेक्ट होगा इससे इस पर डिपेंड करेगा ना सो so इसी पे बेस्ड रहता है आपका एरिया रेशो जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर आपका इनसाइड क्लियरेंस अंदर में कौन सा डायमीटर है ये आपके डी है या डी है कभी कभी नाम भी चेंज कर सकता है तो अंदर में कौन सा डी और डी वन इसमें से ग्रेटर कौन सा है डी थ्री तो हो गया फॉर्मुला डी थी माइनस डी वन बाय नहीं है ये ध्यान रखना डी थ्री माइनस डी अब इसको याद करोगे कैसे करोगे पॉइंट टू थ्री है पॉइंट को क्या लिख सकते वन पॉइंट उटसाइड क्लियर इसलिए होगा आउटर डायमी डी टू है यहां का आउटर डी टू और डी फोर है इन दो डायग्रेटर क्या है फॉर्मुला तो क्या हो जाएगा डी टू माइनस डी फोर बाई डी इन टू हंड्रेड ठीक है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा है ना नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टैंडर्ड पेन्यूट्रेशन टेस्ट स्टैंडर्ड पेन्यूट्रेशन टेस्ट तो ये होता है इन इनसीटू टेस्ट इन इनसीटू आपको पहले ही भी बताया गया इन इनसीटू मतलब साइट में जाके टेस्ट करना साइट मतलब फील्ड में जाके जहां पर आपका सपोज आपका एक कैचमेंट है वहीं पर का सॉइल को टेस्ट करना है तो आपको फिजिकली वहीं जाना पड़ेगा तभी वो सॉइल का टेस्टिंग हो पाएगा तो एसपीटी क्या इन साइट टेस्ट ओके कहा किसके लिए होता है कोजन लेस सॉइल कोजन लेस ऑयल क्या होता है ये आपका सैंड रहता है जिसका सी इज इक्वल टू जीरो ठीक है एन वैल्यू मिलता है, रहता है तो जितना ज्यादा आपका एन वैल्यू रहेगा उतना ज्यादा आपका स्ट्रेंथ रहेगा स्ट्रेंथ या फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ ये रहेगा अब एन वैल्यू निकालते कैसे ठीक है हाइट पे अभी एन वैल्यू निकालना है सबसे पहले वहां तक तो डिक कर लो ओके अब क्या करोगे एक वेट लोगे डब्ल्यू का ये स्टैंडर्ड वेट रहता है आपका एन टेस्ट में एस पी टी वैल्यू के टेस्ट में ये आपका रहता है सिक्सटी फाइव के जी इसको याद नहीं करोगे तो भी चलेगा हाइट कितना रहना चाहिए ये सिक्सटी फाइव उससे दस बढ़ा दो तो आपका पचहत्तर सेंटीमीटर पैंसठ पचहत्तर पैंसठ पचहत्तर ये हो गया अब क्या करना है धीरे धीरे क्या होगा सेटल होते जाएगा आप ऊपर से नीचे फेंकोगे फ्री फॉल करोगे कुछ सेटल होगा है ना सपोज़ क्या हुआ ये आपका सेटल हुआ ये 15 सेंटीमीटर इसके रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ ब्लोस कितने हुए एन वन हुए ठीक है इसको स्मॉल से डिनोट करते हैं ये आपका एन वन हुआ फिर दूसरा सेटलमेंट आपका 15 सेंटीमीटर कर का डिनोट करते हैं तो हम आपको 15 15 सेंटीमीटर पे नंबर ऑफ ब्लोज निकालते हैं एन टू हुआ फिर तीसरा सेटलमेंट होगा फिफ्टीन सेंटीमीटर का फिफ्टीन सेंटीमीटर ये आपका हुआ एन हो गया ठीक है इसके लिए आपको एन वन करने पड़े इसके लिए एन इसके लिए एन ठीक है तो एन वैल्यू रहता है वो आपका रहता है फिफ थर्टी सेंटीमीटर ऑफ पेनिट्रेशन या सेटलमेंट थर्टी सेंटीमीटर ऑफ पेनिट्रेशन के लिए रेस्पेक्टिव जितने नंबर ऑफ ग्लोज हुए वो आपका एस या एन वैल्यू रहा तो थर्टी का हाँ यहाँ से यहाँ भी थर्टी हो रहा है यहाँ से भी यहाँ थर्टी हो रहा है और इसको भी इसको एन वन और एन को भी ऐड कर दो क्या गा? तो क्या होगा थर्टी हो जाएगा लेकिन हम फर्स्ट वाले को इग्नोर करते हैं फर्स्ट वाला इग्नोर करें तो आपका एन वैल्यू क्या हो जाएगा एन वैल्यू हो गया आपका एन टू प्लस एन थ्री

बी सेट कर दो तो पैंसठ के जी और पचहत्तर आपका सेंटीमीटर है ना तो पहले क्या पंद्रह पंद्रह सेंटीमीटर का आपका सेटलमेंट मेजर करते हैं थर्टी सेंटीमीटर का जो सेटलमेंट है उसको हम ऐड करते हैं ओवरऑल हम फोर्टी फाइव सेंटीमीटर का सेटलमेंट निकालते हैं ठीक है ये पंद्रह पंद्रह ऐड हो गया अब क्या करो बीस ऐड कर दो बीस एड करोगे तो क्या हो गया पचहत्तर के जी अब बीस ऐड किए अब दस ऐड कर दो तो यहाँ पर पंद्रह चल रहा था यहां भी पंद्रह यहां भी पंद्रह अब अब यहाँ पर बीस ऐड कर दिए ठीक है दस बढ़ाएंगे ठीक है तो यहां पर पचहत्तर सेंटीमीटर ऐसा कुछ याद कर सकते हो याद नहीं करोगे तो भी चलेगा ये इंपॉर्टेंट है पंद्रह सेंटीमीटर आप इग्नोर कर दिए पंद्रह प्लस पॉइंट नेक्स्ट थर्टी सेंटीमीटर का एन और एन आप एड कर देंगे तो इसके रेस्पेक्टिव में एन वैल्यू मिल जाएगा ठीक है ये होता है आपका एसपी टेस्ट इनसाइड टेस्ट कोजन लेस टेस्ट किससे करते हैं कंडक्टेड बाय स्प्लिट स्पून सैंपलर इससे आपको एन वैल्यू मिलता है जितना ज्यादा एन वैल्यू रहता है उतना ज्यादा आपका रिलेटिव डेंसिटी और स्ट्रेंथ रहता है इट इज द नंबर ऑफ ब्लोस टू कॉज पेंट्रेशन ऑफ थर्टी सेंटीमीटर थर्टी सेंटीमीटर का पेंट्रेशन तो रहता है लेकिन हम क्या करते हैं फर्स्ट फिफ्टीन सेंटीमीटर है जो कि एन है उसको इग्नोर करते हैं तो पेंट्रेशन क्या हुआ एन टू प्लस एन ये हो गया जीरो फिफ्टीन थर्टी फोर्टी के रेस्पेक्ट में तो एन वैल्यू हो गया एन एन टू प्लस एन थ्री जो फ्री फॉल के लिए वेट रहता है वो पैसठ के जी का हाइट पचहत्तर के जी का इसको अगर अब याद नहीं भी करोगे तो भी आपको चलेगा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ठीक है नेक्स्ट करेक्शन फॉर एन वैल्यू अब हम एन वैल्यू तो निकाल तो लिए अब इसमें क्या होता है कुछ करेक्शन होता है तो नॉर्मली आपके दो करेक्शन है ओवर बर्डन प्रेशर और डायलेट डायलेटेंसी करेक्शन ठीक है इसमें आपका जो डायलेटेंसी है वो इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना है सो so फर्स्ट है आपका ओवर बर्डन ठीक ठीक है एक सेकेंड. Overburden pressure. है. So, N value for soils at shallow depth. अगर पे हम N value तो वो क्या होता है वो अंडर एस्टिमेटेड होता है मतलब एक्चुअल वैल्यू अगर 10 है तो वो क्या करेगा अंडर एस्टिमेट मतलब सेवन एट ऐसा कुछ वैल्यू देगा शेलो डेप पे कम डेप्थ में कम वैल्यू आ जाता है एन एट ग्रेटर डेप्थ अगर आपका ज़्यादा डेप्थ है तो उसमें क्या ओवर एस्टिमेटेड मतलब अगर बहुत ज़्यादा डीप में चले गए तो अगर एक्चुअली आपका दस है ना तो आपका ये बारह तेरह ऐसा कुछ वैल्यू दे देगा है ना ओवर एस्टिमेटेड अब एकदम एग्जैक्ट मान लेना दो तीन वैल्यू दो तीन नंबर ही कम देता है एन वैल्यू ठीक है एक्चुअल नहीं बोल रहा हूँ मैं ओके okay. तो कम डेप पे आपका कम एन वैल्यू देगा ज़्यादा डेप पे ज़्यादा वैल्यू देगा तो इसको कुछ करेक्शन करना पड़ेगा ये लाइन छोड़ दो इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर टू रिपोर्ट एन वैल्यू ऐसा कुछ आना चाहिए था ठीक है तो क्या इसमें कुछ करेक्शन करना पड़ेगा तो इसके आपके दो फॉर्मूला रहते हैं अब ये दोनों फॉर्मूला में ऐसा कोई फिक्सड नहीं है कि ये यहाँ पर ये आ, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करेंगे इसका कंडीशन तो है फॉर सिग्मा डैश और नॉट अगर अफेक्टिव स्ट्रेस इनिशियल ओरिजिनल अफेक्टिव स्ट्रेस अगर चौबीस किलोमीटर पर मीटर से स्क्वायर से तभी ये फॉर्मुला यूज कर सकते हैं लेकिन अगर सपोज पच्चीस है तो आपको दोनों फॉर्मुला दिए हो सकते हैं तब आपको चेक करना है कि कौन से फॉमुला से आंसर आ रहा है अगर एम है तो अगर अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आपको दोनों फॉर्मुला से चेक करना पड़ेगा ठीक है ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये फॉर्मुला यूज करो या ये फॉर्मला यूज़ करो तो फॉर्मूला क्या है आपका एन डैश इज इक्वल टू एन एफ एन एफ इन टू पॉइंट सेवन सेवन लॉग ऑफ टेन नाइनटीन नॉट फाइव बाई सिमा डैश नॉट ये आपका फॉर्मूला है ठीक है अब याद कैसे करेंगे अब ठीक है अपने हिसाब से मैं ट्रिक बता सकता हूँ लेकिन अगर आपको इससे करना है तो नहीं तो अपने तरीके से कर सकते हैं आपका जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो स्टार्ट हुआ था बाईस जनवरी नाइनटीन नॉट फाइव बाईस जनवरी नाइनटीन नॉट फाइव फ्रेंच रिवॉल्यूशन सॉरी रशियन रिवॉल्यूशन जो है वो आपका बाईस जनवरी नाइनटीन जीरो फाइव में स्टार्ट हुआ था नाइनटीन जीरो फाइव आपका यहाँ पर आ गया ठीक है रशियन रिवॉल्यूशन अगर आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में अगर तो याद होगा नहीं याद होगा तो ठीक है ऐसे याद कर लें अब याद करो कि रशियन रिवॉल्यूशन आपका कब स्टार्ट हुआ था बाईस जनवरी नाइनटीन नॉट फाइव तो नाइनटीन नॉट फाइव यहाँ पर लिख दी तो ये आ गया नाइनटीन नॉट फाइव यहां पर बाइस बाईस बाईस में पांच ऐड कर दो बाइस में पांच ऐड कर दो तो सात हो गया यहां पर भी सात कर दोनों डिजिट में पांच पांच ऐड कर दो पांच पांच तो क्या हो गया सात सात तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो गया पॉइंट सेवन सेवन किस करेक्ट करना है एन वैल्यू को एन एफ और क्या आ जाएगा आपका करेक्टेड वैल्यू आ गया तो एन डैश इज इक्वल टू एन एफ इन टू पॉइंट सेवन सेवन लॉकटेन बाइ लॉक सॉरी याद कर रहा हूँ तो आपका एन डैश इज इक्वल टू एन एफ इन टू पॉइंट सेवन सेवन ये कब यूज कर सकते हैं सिग्मा डैश नॉट इज इक्वल टू सॉरी इज ग्रेटर देन ट्वेंटी फर्स्ट फॉर्मला सेकंड फॉर्मला क्या है इन दोनों में से कोई एक ही यूज करना दोनों यूज मत कर देना ये आपका एन डैश इज इक्वल टू एन एफ इन टू पॉइंटी एन डैश इज इक्वल टू एन एफ अब आपका है थ्री फिफ्टी बाई सिनेटर में था वहां पर कोई मूवी की टिकट्स लेते थे सत्तर रुपए की बिकती थी सत्तर रुपए तो नीचे आपका यहां पर ऊपर था यहाँ पर नीचे ऐड करते सत्तर रुपए में लेकिन अब कितने की मिलती है अब साढ़े तीन सौ की मिलती है आप ऐसा याद कर सकते हो ठीक है ओके okay. आपको अपने अगर, अगर अपने तरीके से याद हो रहा है वैसा कर लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना जैसे भी याद रखो इंजुलेटर आपसे कभी भी गेट में नहीं पूछा गया आपने कैसे याद रखा ठीक है आपने ये भी नहीं पूछेगा कि आप सही फॉर्मूला लगाए हो कि नहीं अगर फॉर्मूला अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं कैसे लगाए हो ठीक है तो आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखना ऑल दो इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया लेकिन फिर भी ये याद रख लेना पूछा जा सकता है ओके तो फर्स्ट आप क्या किए आपका एन एसपी टी से एन वैल्यू निकाले उसके बाद क्या किए उसको करेक्ट किए किससे करेक्ट करोगे पहले ओवर बर्डन से करोगे जरूरी नहीं हर बार ओवर बर्डन से करेक्ट करना है कभी कभी स्किप भी हो जाता है क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है ओवर बर्डन अगर ओवर ओवरबर्डन लगाए अब आपका डायलटेंसी करेक्शन रहता है डायलटेंसी करेक्शन ऑर्डर यही रहेगा ध्यान रखना ऑर्डर यही रहेगा डायलटेंसी का कंडीशन uh, क्या रहता है ये सिर्फ फॉर फाइन सैंड एंड सिल्ट इफ प्रेजेंट बिलो ग्राउंड वाटर टेबल सिर्फ आपका सेचुरेटेड सेंड एंड सिल्ट में ही ये अप्लाई होता है और आप ये सेचूरेटेड भी और ग्राउंड वाटर टेबल का है ऊपर रहेगा ऊपर रहेगा तो ऑब्वियसली सैचुरेटेड रहेगा कन्वर्स सुनिए अगर सेचुरेटेड है तो है ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर हो तो बेस्ट है आपका अगर फाइन सेंड और सिल्ट ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे है तभी ये यूज़ हो पाएगा है ना ओके तो ग्राउंड रोड टेबल के नीचे है तो आपका क्या हो सैचुरेट कंडीशन में रहेगा प्लस दूसरा कंडीशन है जो करेक्टेड है ना ओवर ब्लड प्रेशर के बाद जो करेक्ट हुआ है वो आपका ग्रेटर देन होना चाहिए अगर करेक्ट नहीं हुआ है सपोज तो आपका जो ओरिजिनल एसपी टी है वो डायरेक्टली चेक करेंगे सो एन डैश शुड भी ग्रेटर देन फिफ्टीन तभी करेक्ट करेंगे अगर नहीं है तो एज इट इज हो जाएगा एन डबल डैश इज इक्वल टू एन डैश नो करेक्शन रिक्वायर्ड सो करेक्शन क्या होगा अगर एन डैश ग्रेटर देन 15 है तो फॉर्मुला हो जाएगा एन डबल डैश इज इक्वल टू 15 प्लस एन डैश माइनस फिफ्टीन बाई टू यहाँ पर फिफ्टीन एड हुआ यहां पर माइनस तो माइनस बाई टू ये आपका डायलटेंसी करेक्शन हुआ ठीक है ऑर्डर यही रहेगा पहले एसपी टी फिर ओवरबर्डन डायलटेंसी जरूरी है ओवरबर्डन भी लगाए जरूरी है डायलटेंसी भी कराए डायलटेंसी कब लगाएंगे जब आपका वो ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे हो सैन फाइन सैंड एंड सिल्ट हो प्लस आपका एनडे ग्रेटर देन फिफ्टीन हो ये तीन कंडीशन है ओवरबर्डन का ऐसा कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं है कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है कि डायरेक्टली एन वैल्यू में डायलटेंसी करेक्शन लगाएं तो ओवरबर्डन प्रेशर को स्किप कर देते हैं ठीक है ये एग्जाम में पूछा गया है डायलेटेंसी ये नहीं पूछा गया है है ना नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका कोन पेनिट्रेशन टेस्ट सॉरी कोन पेनिट्रेशन टेस्ट तो ये भी आपका एसपीटी टेस्ट है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट ही जैसा है इनसाइड टेस्ट है फॉर कोरजनल लेस है इससे भी आपको स्ट्रेंथ और रिलेटिव डेंसिटी पता चलता है है हाँ ना इसके डिटेल में नहीं जाएंगे आपके दो टाइप्स के होते हैं स्टैटिक डायनेमिक इसका जो फिगर रहता है ये कुछ ऐसा रहता है है हाँ ना तो यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा ऐसा कुछ आता है ज़्यादा डेप्थ नहीं जाएंगे इतना डिटेल में नहीं पूछा गया नेक्स्ट है आपका प्रेशर मीटर टेस्ट प्रेशर मीटर टेस्ट से टू मेजर इन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन मेजर करने के लिए आप प्रेशर मीटर टेस्ट लेते हैं टू मेजर इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ सॉइल ठीक है और ये इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स निकालने के लिए यूज होता है इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स ओके नेक्स्ट है आपका जियो फिजिकल मैथड मैं जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं थोलिटिकली ये ओके okay, ज़्यादा समझाने के लिए नहीं है अगर ये नोट्स भी रिफर करके आप देख सकते हो नेक्स्ट है आपका सिस्मिक रिफ्रैक्शन मैथड रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन uh, आया तो ये आपका सिविल इंजीनियरिंग इन्वेस्टिगेशन के लिए होता है सुटेबल फॉर लेयर्स हैविंग अंडरलाइंग सॉफ्ट लेयर जहां पर नीचे सॉफ्ट लेयर है वहां पर यूज आता है रिफ्रैक्शन में अगर रिफ्लेक्शन है तो आपका पेट्रोलियम इन्वेस्टिगेशन में आ जाता है रिफ्लेक्शन ई e आ गया ना यहाँ पर तो ई e आ जाएगा है ना रिफ्लेक्शन पेट्रोलियम वैसे तो ई e जो बाद में एफ के बाद आ रहा है यहाँ पर पेट्रोलियम इन्वेस्टिगेशन ठीक है ये आपका सिविल इंजीनियरिंग इन्वेस्टिगेशन रिफ्रैक्शन हुआ ओके okay. अब नेक्स्ट है आपका सॉइल स्टेबिलाईजेशन मैथड इल को स्टेबलाइज कर रहे हैं स्टेबलाइज है stabilize, ना स्टेबलाइज कर रहे हैं तो ये कौन सा शेलो डेप के लिए दूसरा है ग्राउंड इंप्रूवमेंट दोनों में आपका सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं एक है आपको बोलते हैं सॉइल स्टेबिलाइजेशन मेथड दूसरा है ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स तो सॉइल स्टेबलाइजेशन मेथड वो सेलो तो के लिए रहता है ग्राउंड इंप्रूवमेंट है वो आपका फॉर डीप डेप्थ रहता है बस यही डिफरेंस है और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ऑल्दो ये भी नहीं पूछा गया था इससे आपका सॉइल स्टेबलाइजेशन मेथड है इसके आपके दो तीन मेथड रहते हैं आपके मैकेनिकल हो गया सीमेंट हो गया लाइम हो गया केमिकल स्टेबेलाइजेशन ये सब मैथड्स रहते हैं तो क्वेश्चन में आपको मैकेनिकल स्टेटलाइजेशन के बारे में पूछा गया था मैकेनिकल स्टेबिलाईन ऑल्डो मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं इसको मैं आ, हम क्वेश्चन आएंगे प्रीवियस ईयर वहीं पर डिस्कस कर लेंगे क्योंकि क्या फिर सभी के थ्रो कवर्स करना पड़ता और इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ऑल्डो ये एक बार पूछा गया बहुत पहले पूछा गया और इतना इंपॉर्टेंट है नहीं तो इसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जब डिस्कस करेंगे वहीं पर हम कवर कर लेंगे ठीक है सो ये आपका एंड होता है थैंक यू वेरी मच